करने वाले हैं जो उस तरह के, उसका कुछ कहना है आप कहीं जुड़े इसका। मैं सबसे पहले, मेरा नाम प्रदीप जैन है, समाज सेवा सोशल वर्कर। मैंने भी साईं बाबा के यहाँ पर मंदिर में 6 साल से खाना खिला रहा हूँ। तो आज जो उन्होंने बोला कि 1 जनवरी 2021 से यहाँ के लोकल वाले आधे समय में जो खाना खिलाना चाहो कर रहे हर समय हर दिन, बहुत अच्छी बात है। उनका दिल बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ से उनकी ये शुभकामना है। तो साथ साथ में मैं उनको पूरा सबक साथ दूंगा मैं। और रही बात एवो कि दादा साहब, उसमें मैं यहाँ का बम्बई का दस हूँ मैं, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा इनके साथ में मिलकर काम करने की। चूँकि एवो तो सबको मिलना ही है, जो मिलेगा जो काम किया उनको हक है। वैसे ये इनका दिमाग एवो देने के सिवाय दूसरा और भी है कि उसमें जो इनकम आएगी, जो पैसा रुपया आएगा, उसमें से 20-25% 40% जो रुपया आएगा ना, वो सब एक खाने के उसमें ही आएगा। जो जनवरी के महीने में वो चाहू कर रहे उसमें जाना है। ऐसा नहीं है बोल के दिमाग में कि अरे एवो दिया पैसा ले लिया, जो कमाना चालू हो गया, इनकम चालू हो गई। इनके दिमाग में वो नहीं है, दुनिया कौन भी कर रही होगी, समाज में कौन भी कर रही होगी इस पे इवेंट में। तो इसमें इनका यही सब है कि गरीबों को जो पिक्चर रैंक में है, जो अभी कोरोना में इन्होंने जो 6 महीने से इतना मेहनत किया हुआ है, मुझे मालूम है, मेरे आपके सामने ही है, घर घर पे जाकर चावल लेना, कभी ये लेना, वहाँ से लेकर किसी दूसरे के यहाँ पे पहुँचाना, बहुत बड़ी बात है आज के हिसाब से। किसका इतना समय नहीं है, जो कि कोरोना क्या ऐसी बीमारी है कि एक बार बीमारी चालू है ना, सीधा ऊपर जाएगा भगवान के पास। वो भगवान के हिसाब से इन्होंने इतना मेहनत की हुई है, इन्होंने आगे पीछे विचार नहीं किया कि कभी मुझे कोरोना हो जाए और मेरा आगे पीछे कौन होएगा। ये उनको मालूम है कि उनके साथ में कौन है, ऊपर वाला भगवान जी है। तो आज भी वो मेहनत कर रहे, आज भी अपने ये नहीं कर रहे, दूसरे के ही कर रहे। इनके बहुत बड़ी बड़ा सा पॉइंट है। चलिए, थैंक यू।